प्रणिपात उस महान योद्धा को जो कुरुवंश के सबसे बड़े संबल हैं, जिन्हें संसार स्मरण करेगा तो इसलिए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना कर्म और अपना धर्म समस्त कुरुवंश को समर्पित कर दिया। जो कुरुकुल का, कुरुवंश का मार्ग दर्शन करते, उनको मार्ग दिखाते, कुरु गौरव महामहिम भीष्म को प्रणिपात। नारायणं नमस्कृत्य नरं प्रणिपात उस महान राजा को जो कुरुकुल का सर्वे सर्वा, जो राष्ट्र का निर्माता है, उस महाराज धृतराष्ट्र को इस शांति दूत कृष्ण का प्रणिपात। स्वस्ति। अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर सामान्य कुरु कुमारों को भारत वर्ष का महान योद्धा बनाने वाले अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के आचार्य श्री द्रोणाचार्य को मेरा प्रणिपात। कल्याण हो वसुदेव। प्रणिपात उस महान हस्ती को जो अपने लक्ष्य संधान में प्रवीण है, जिन्होंने अपनी बहन के पुत्रों के लिए अपना राज्य त्याग किया, जो अपनी तीव्र बुद्धि और नीति से कुरु कुमारों का मार्गदर्शन करते हैं, उस गांधार नरेश को प्रणिपात। प्रणिपात महानितिज्ञ महात्मा विदुर को। प्रणिपात उन समस्त जनों को जो सभा में उपस्थित है, जो शांति के समर्थक है। प्रणिपात का अर्थ है अपना शीश झुकाना। हम सब अपने संतानों को उन सब के समक्ष शीश झुकाना सिखाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, परंतु मैं आप सब के समक्ष प्रणिपात इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब ने महान कार्य किए। मैं प्रणिपात इसलिए कर रहा हूं कि आप सब अब भी एक महान कार्य को संपन्न करने के लिए सक्षम हैं। वो महान कार्य जो कि एक महायुद्ध, एक महाविनाश है, उससे मुक्ति पाना, जिसके पश्चात एक महान शांति की स्थापना होगी, धर्म का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी कल आने वाले महाभारत के महाविनाश को देख सकते हैं, और यदि आप सब चाहें तो आर्यव्रत को इस विनाश से बचा भी सकते हैं। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी
कि आप सबके सहयोग से भारतवर्ष में होने वाले इस महाभारत से सबको बचा सकूं और मेरे यहां उपस्थित होने का लक्ष्य पूर्ण कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब में से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहेगा। संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है परिवार में आया क्लेश। परिवार का अर्थ है ऐसा समूह जो साथ रहे, जो एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे का संबल बने। यदि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की शाखाएं काटने लगे तो वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है महाराज धृतराष्ट्र। जब परिवार साथ रहता है तभी उन्नति होती है। मेरी मंत्रणा यह है कि एक वंशज के अहंकार के लिए समूचे वंश को दाव पर लगाना उचित नहीं, क्योंकि यदि वंशज का अहंकार जीत भी गया तो वंश अपना अस्तित्व हार जाएगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया, शांति प्रस्ताव लाया। ये युद्ध केवल भाइयों के मध्य का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस युद्ध संपूर्ण भारतवर्ष भाग लेगा। इसलिए विनाश भी सैकड़ों सहस्त्रों और लाखों नहीं, करोड़ों में होगा। और इसीलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया, ये प्रस्ताव लाया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें। साधु वासुदेव, आप तो सचमुच धन्य हैं। मुझे स्मरण नहीं होता कि कितना समय हो गया ऐसे शांतिपूर्ण वचन सुने हुए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है वासुदेव कि आपके मुख से शब्द नहीं, फूल झड़ रहे हैं, फूल। मैं अभिभूत हो गया वासुदेव। और सच कहूं वासुदेव, मैं भी आपसे सहमत हूं। मैं भी नहीं चाहता कि ये युद्ध हो ना। अमर श्री, ये क्या कह रहे हैं आप? हां दुर्योधन, वासुदेव बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हमें इस युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए, समझ गए? हाँ हाँ वासुदेव, सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी हो ही नहीं, और युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न ना होने देने का एक ही उपाय कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आक्रमण ना करे। चलिए ठीक है, हम पांडवों पर आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु वासुदेव द्वारकाधीश, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि पांडव भी हम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे? आ? कभी भी? गांधार नरेश, आप आक्रमण के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मैं यहां युद्ध की आवश्यकता को ही समाप्त करने के विषय में बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, ऐसा है। यदि ऐसा है वासुदेव, तो हम आपका प्रस्ताव सुनना चाहेंगे। हाँ, आप शांति दूत हैं तो संदेश तो लाए होंगे, और हाँ ऊपर से आप शांति प्रस्तापित करना चाहते हैं। तो वासुदेव, शांति प्रस्तापित करने के लिए जिस समाधान की आवश्यकता होती है वो समाधान भी लाए होंगे आप, है ना? बताइए क्या है इसका समाधान? प्रत्येक युद्ध की नींव में अन्याय छिपा होता है गांधार राज।
और अन्याय का केवल एक ही समाधान है, और वो समाधान है न्याय। वो न्याय जिस पर केवल पांडवों का अधिकार है, उनसे किए गए वचनों को ना निभाने का न्याय, उनसे किए गए वचनों को ना पूर्ण करने का न्याय। इस भरी सभा में जो अधर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके प्रति न्याय। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहां पांडवों की ओर से उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय मांगने आया। कैसा अन्याय वासुदेव? वो अन्याय जो एक धर्म सभा में एक अधर्म द्यूत माध्यम से हुआ था, वो अन्याय जो कुरुकुल के ज्येष्ठ जनों के समक्ष कुलवधू पांचाली के साथ हुआ, यदि उस अन्याय का त्राण हो तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता है। कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र, महामहिम भीष्म, मैं पांडवों की ओर से उस अन्याय के लिए न्याय मांगने आया। स्मरण रहे महाराज, यदि आपने पांडवों को न्याय नहीं दिया, या तो उसे वो पुण्य से अर्जित कर लेंगे या फिर उसे छीन लेंगे। अब निर्णय आपका है। वासुदेव, आप यहां शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं या यहां में धमकाने आए हैं? वो उस दूत में जो कुछ भी हुआ, सबकी उपस्थिति में हुआ, युधिष्ठिर की इच्छा से हुआ। अरे वो हार गया, अपना राज्य हार गया, वो उसका प्रारब्ध था। छलबद्ध अन्याय को प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता युवराज। जिस प्रकार मंदिर में किया गया पाप पुण्य नहीं बन जाता, उसी प्रकार धर्म वीरों की उपस्थिति में सभा में किया गया अधर्म धर्म नहीं बन जाता। धर्म अधर्म, कौन सा धर्म? कोई अधर्म नहीं हुआ। नारी नारायणी होती है युवराज, और भरी सभा में एक नारी का, एक कुल वधू का वस्त्र हरण अधर्म नहीं? यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने ज्येष्ठों की झुकी दृष्टि से पूछो दुर्योधन, उन वस्त्रों से पूछो जो आपको आपके मन की नग्नता अनुभव कराने के लिए आपके शरीर से दूर हो गए, उन प्रतिज्ञाओं से पूछो जो पांडवों ने अपने भ्राताओं के विनाश के लिए मांगी। यह प्रतिज्ञा लेता हूं पर यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण दे लूंगा दुर्योधन। उस श्राप से पूछो जो द्रौपदी ने समस्त कुरुकुल को दी। इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अपनी सुता द्रौपदी का। परंतु यदि आप सब चाहें तो पांडव अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देंगे, द्रौपदी अपना श्राप वापस ले लेंगे। बस आप सबको अपनी भूल का अनुभव करके पांडवों को केवल उनका अधिकार देना है। ये कैसा न्याय है वासुदेव? संधि और शांति वार्ता में बराबर की बात होती है, एक ओर से बंधन और शर्तें नहीं ला दी जाती। न्याय की मांग ना बंधन है ना शर्त है महाराज, केवल एक निवेदन है। यदि ऐसा है तो मेरा निर्णय यह है कि दुर्योधन मौन रहो।
निर्णय लेना महाराज के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। तुम शांत रहो। राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी बातें सुनूं, ताछरी अपने मंत्रणाकारों का सम्मान करूं। दुर्योधन युवराज है, हस्तिनापुर का भवी महाराज है, इसलिए इस संदर्भ में मैं अपने पुत्र और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को अपना निर्णय प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद पिताश्री। हाँ तो सुनिए वासुदेव, ऐसा है कि उस द्यूत में पांडव स्वयं अपना अधिकार हार बैठे थे। अब ना तो वो किसी भी राज्य का उनको अधिकार है और ना ही राजा होने का। इसीलिए मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर आपका ये शांति प्रस्ताव ठुकराता है। दुर्योधन, क्या तुम्हें इस बात का अनुमान भी है कि शांति प्रस्ताव ठुकराने का अर्थ है युद्ध को निमंत्रण? अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो। बात बात पर विचार करना बंद कीजिए पितामह, बात बात पर विचार कायर करते हैं। योद्धा का जन्म ही युद्ध के लिए होता है और मैं इस युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। मेरी दृष्टि में उन पांडवों को कुछ भी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस मैंने ये सभा समझौते के लिए रखवाई थी, ताकि अपने अपने ही अधिकार के त्याग के लिए। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ रख सकते हो, उसकी सेना भी रख लो, अस्त्र शस्त्र रख लो, लाखों गाय अश्व उसकी प्रजा भी रख लो, कोटि कोटि धन संपत्ति जो कुछ भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अर्जित किया था वो सब रख लो दुर्योधन, परंतु इस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप केवल एक कार्य कर दो। प्रतीक के रूप पांचों पांडवों को पांच गांव दे दो। इतना तो दे ही सकते हो दुर्योधन। पांचों पांडव वहां सुख से निवास करेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे। इस युद्ध को टालने के लिए केवल पांच गांव देना स्वीकार है तुम्हें? वासुदेव, यदि दुर्योधन पांच गांव दे देता है तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे? हाँ गांधार नरेश, मैं वचन देता हूं कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। कह दो दुर्योधन,
इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, यही अवसर है, अंतिम अवसर। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको यहीं रोक दीजिए। ताची का कहना उचित है पुत्र, हाँ कर दो, इसी में सबका हित है। मित्र, मैंने सदा इस युद्ध का पक्ष लिया है, मैंने सदा अर्जुन से अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहा। मैं अपना अधूरा द्वंद्व कभी और पूर्ण कर लूंगा। इस समय पूरे भारतवर्ष को महाविनाश से बचाने की आवश्यकता है। हाँ कह दो मित्र। तुमने तो एक अनजान का मान रखने के लिए उसे अंगराज बना दिया, तो लाखों के प्राणों को बचाने के लिए 5 घाव दे दो मित्र। देख रहे हैं वासुदेव, मेरे मित्र अंगराज मेरे साथ है। और आपको तो अच्छे से ज्ञात है कि कर्ण को अंगराज मैंने बनाया, उसे वो दिया है मैंने जो पांडव नहीं दे पाए, ना पांडव ना पितामह। और ये मेरा वचन है, यदि मेरा मित्र मुझसे प्राण भी मांगेगा तो वो भी मैं प्रसन्नता से दे दूंगा। परंतु ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन पांडवों को कुछ भी देने वाला हूं। पता है बचपन से मुझे यही आभास कराया गया है कि मेरा किसी भी वस्तु में कोई अधिकार नहीं, ना अपने पिता के राज्य पर, ना सिंहासन पर। जो भी मिले या तो दे दो या उन पांडवों के साथ में बांट लो। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने मुझे कब दिया, कब? गुरु का प्रेम, महामहिम का वत्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, मुझे नहीं। मेरे पिता के राजा होने पर युवराज पद पर किसी का अधिकार था तो वो मेरा था, परंतु मुझे मुझे नहीं मिला। वो मिला उस युधिष्ठिर को। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है वासुदेव, युवराज राजा का पुत्र ही बनता है और यही नीति है। आप तो कभी वास्तविक राजा थे ही नहीं महाराज, आप तो आज भी हस्तिनापुर के केवल कार्यकारी नरेश। आपका राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ, और रही बात नीति की, तो कुल वधु का वस्त्र हरण, उसका अपमान कहां की नीति है? पांडवों का पक्ष लेना बंद करो ग्वाले। मैंने उस द्रौपदी को धर्म पूर्वक द्यूत में जीतकर उसे अपनी दासी बनाया, उसका वस्त्र हरण करना मेरा अधिकार था, क्योंकि जो दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारिणी होती है। नारी केवल सम्मान की अधिकारिणी है दुर्योधन। हाँ।
मैं उन पांडवों को बाज गाओ तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा संदेश भली भांति समझ लिया है युवराज, अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात रुकिए केशव। मित्र एक बार और विचार कर लो। अरे मित्र, राजा बलि की कथा स्मरण है तुम्हें? वो मायावी वामन उनसे उनसे तीन पग मांगने आया था। तीन पग भूमि, और उस तीन पग में उस वामन ने न केवल तीनों लोक नाप लिए बल्कि उस बलि का नाश भी कर दिया। अरे इस चलिया को पांच गांव दे दूंगा तो यह हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिटा देगा। अखंडी कृष्ण, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का प्रभाव इन पर पड़ सकता है, दुर्योधन पर नहीं। तो फिर मैं प्रस्थान करता हूं। रुको दूत, मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी है अभी। सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं कृष्ण। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। तुम हस्तिनापुर से बाहर नहीं जाओगे। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदे बनाता हूं वासुदेव। बंदी बनाओ इस छलिए को। अपने पुत्र को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज। ये अनर्थ करने जा रहा है। महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी नहीं, इस समय वे एक शांति दूत हैं। और इस बात का स्मरण रहे महाराज, एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।
आचार्य ठीक कह रहे हैं पुत्र, ऐसा अनर्थ मत करो। रावण ने भी यही मूर्खता की थी, उसने भी दूध का अपमान किया था और उसके सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। मैं रावण मूर्ख था जो सामान्य रस्सी से हनुमान को बांधने चला था, परंतु मैंने इस विशेष दूत के लिए विशेष धातु की श्रृंखला बनवाई है। कुछ नहीं कहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे और दुर्योधन के मध्य में ना आए और साक्षी बने इस क्षण के, इसे भान नहीं किए क्या कर रहा है, जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी ग्रह की बेड़िया ना बांध सके, सैनिकों का पहरा ना रोक पाए, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। सामर्थ्य है तुम में तो बढ़ो आगे, हो सके तो साधो मुझे दुर्योधन, अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। उस तेरे को लगता है कि यह धातु श्रृंखला मुझे बांधने के लिए पर्याप्त है दुर्योधन? जब तक अनंत आकाश को बांधने में सक्षम श्रृंखला तुम्हारे पास ना हो, तब तक ऐसी मूर्खता पुनः करने का प्रयत्न मत करना दुर्योधन। ये छल, ये माया, यही है ना तुम्हारे अस्त्र छल ये? परंतु मुझे तुमसे या तुम्हारे इस माया से डर नहीं लगता,
हर लूंगा मैं तुम्हारे और उन पांडवों के प्राण। स्मरण रखना कि इस महायुद्ध में अंत करेगा तुम्हारा और उन पांडवों का यह दुर्योधन। जो स्वयं मृत्यु के शिखर से गिरने वाला हो उसे अपने अंत की चिंता करनी चाहिए मूर्ख दुर्योधन। जिस सत्य को, जिस भविष्य को मैं टालना चाहता था उसे आज तुमने स्वयं आमंत्रण दे दिया। और सत्य ये कि इस महायुद्ध के अंत में तुम्हारा, तुम्हारे पापों और तुम्हारे पाप में भागीदार रहे प्रत्येक का अंत होगा। ये युद्ध अंत होगा। मेरे राज्य में, मेरे ही सभा में आके मुझे धमकी देता है छजे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सभा, इस राजसभा के समक्ष कितना सा आकार है तुम्हारा दुर्योधन? और हस्तिनापुर के समक्ष कितनी सी है यह सभा? और इस पृथ्वी के सामने कितना सा है हस्तिनापुर? और इस ब्रह्मांड में क्या स्थान रखती है ये पृथ्वी? यदि मनुष्य का अभिमान और तम उसके आकार से अधिक बड़ा हो जाए तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है। और तुम्हारे अंत का कारण भी यही अभिमान होगा दुर्योधन। और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे इसी अभिमान से होगा दुर्योधन।